बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच मामले से जुड़ी हुई, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जीएमडी न्यूज पर मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मुठभेड़ के दौरान की है। जी हाँ, आपको बता दें, बहराइच एनकाउंटर का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। सरफराज और तालिम को एनकाउंटर में लगी गोली। बड़ी खबर आपको जीएमडी न्यूज पर बता रहे हैं, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, जिस इलाके की हम लगातार बात कर रहे थे, जहां से ये तालिम और सरफराज भागने का प्रयास कर रहे थे, जहां पर इन्हीं के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, ऐसा एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया, जिस पर जवाबी का फायरिंग करते हुए पुलिस ने इन दोनों के पैर में गोली मारी और इन्हें एनकाउंटर में ढेर करते हुए कंधों पे लाद कर, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एसटीएफ जो है वो कंधे पर लाद कर दोनों आरोपियों को लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, पूरा आप वीडियो देखिए किस तरह से इसके बाद इन्हें लेकर पहुंची अस्पताल। पुलिस कर्मी जो है वो पूरा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, एनकाउंटर वाली जगह से लेकर अस्पताल तक का पूरा वीडियो आप देखें कि किस तरह से आपको जीएमडी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं कि इन दोनों आरोपी जो भागने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था परिजनों को कि आप चिंता मत करिए, पकड़े जाएंगे, पकड़ेगा ये आरोपी। 13 को गोलीकांड हुआ और 17 को हिसाब हो गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों आरोपियों के पैर में गोली मारी गई और उसके बाद इन्हें एनकाउंटर वाली जगह से कंधे पर लेकर पुलिस अपनी वैन से अस्पताल पहुंची, जहां इनका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। वही हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमित त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह की हम तस्वीरें दे रहे हैं, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं और जिस तरह से एसटीएफ कंधों पर लेकर जो इन दोनों आरोपियों को पहुंची अस्पताल, क्या कुछ हुआ अभी तक, क्या अपडेट पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है? देखिए कीर्ति, ये जो तस्वीर है ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये सिर्फ जीएमडी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं वो जिस तरह से जारी की गई, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो दो आरोपी हैं, जिनके तो आरोप है कि उन्होंने उस दिन हिंसा में इनका सबसे बड़ा हाथ था, जो मृतक रामगोपाल था उनको गोली मारी थी, सरफराज और तालीम, उन्हें किस तरह से पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, एसटीएफ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और नेपाल भागने के फिराक में थे। और उससे पहले ही इन्होंने पुलिस प्रिजन ने जब इनको घेरा तो उन्होंने पुलिस पर हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जब इनके पैर पर गोली लगी तो देखिए किस तरह से ये बाकायदा गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर है और जिस तरह से हम अपने दर्शकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरी तरीके से बताता है कि अपने दर्शकों के लिए हर एक खबर लाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए जो तस्वीर कहीं नहीं है किसी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो जीएमडी न्यूज दिखा रहा है। और ये तस्वीर बताती है कि जो आरोपी, जो पूरे हिंसा जिन्होंने फैलाई, जिन्होंने दंगा भड़काया, उनको उनके जी जी अमित जी, लेकिन इस पर पॉलिटिकल अगर हम नजर डालें तो कई तरह के पॉलिटिकली भी इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो नेता है वो आवाज इस पर बयान दे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी विफलता छुपाने के लिए किया है, उस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए कीर्ति, सियासत होना आदमी की बात है, हमने फिर चाहे हमें उसी के साथ बयान सुन रहे हैं, लेकिन देखिए पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। तो ठीक है अमित जी, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख पाए और जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हालांकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब आरोपी गिड़गिड़ाने पर जो है वो मजबूर हो गए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, अपने पैरों पर अब वापस तो नहीं जा पाए और एसटीएफ कंधे पर लेकर इन्हें अस्पताल पहुंची है, जहां पर वृंदा शुक्ला ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि इन्होंने जवाबी फायरिंग में ये मुठभेड़ हुई है, इनके पास हथियार था जिससे फायरिंग करने की कोशिश की गई, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करी है, पैर में गोली लगी है और उसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमको आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर वाली जगह से लेकर अस्पताल तक की पूरी तस्वीरें आप जेएमडी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।